हेलो गाइस, स्वागत है आपके हमारे चैनल में। इसका नाम है द बी स्पोर्ट्स, जहां आपको मिलता है फुटबॉल से रिलेटेड सारे ट्रांसफर न्यूज़ और ट्रांसफर रूमर्स। तो सो गाइस, के वीडियो बिना किसी देरी के, तो कल मैंने एक न्यूज़ दिया था कि आईएसएल के जो बिट पेपर से वो मीनावा पंजाब एफसी ने और ईस्ट बंगाल ने लिया है। ईस्ट बंगाल ने तो लिया है, बट हाँ, वो दूसरा बिट पेपर मीनावा पंजाब एफसी ने नहीं लिया है, तो सॉरी अबाउट दैट। एंड जो दूसरा जो बिट पेपर है वो लिया है एक यूके बेस्ड फाइनेंशियल फर्म ने, नाम अभी सामने निकल के नहीं आया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है, बट टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते। एंड हाँ, मीनावा पंजाब एफसी ने नहीं लिया है। एंड ये जो यूके बेस्ड फाइनेंशियल फर्म, इनके पास कोई क्लब नहीं है, तो वो शायद इन फ्यूचर कोई क्लब को अपने अंडर हायर करे या फिर अंडरटेक कर ले कोई इंडियन क्लब को। बट हाँ, इसी के साथ साथ मुझे लगता है ईस्ट बंगाल के जो चांसेस है आईएसएल में आने के वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो यूके बेस्ड फाइनेंशियल फर्म है ये आईएसएल में इस साल आ पाएंगे। शायद इन फ्यूचर ये आईएसएल में आ सकते हैं बाई थ्रू एनी क्लब, अगर ये बनाएंगे तो। बट हाँ, 14th सितंबर से पहले पेपर सबमिट करना है थ्रू ईमेल, एंड 17th ऑफ सितंबर से पहले एक हार्ड कॉपी भेजना है मुंबई के ऑफिस में। सो इतना इजी नहीं होगा मुझे नहीं लगता यूके बेस्ड फाइनेंशियल फर्म के लिए कि टाइम पीरियड के अंदर सब कुछ एकदम रेडी करना, तो ये ईस्ट बंगाल के लिए और ज्यादा इजी हो जाता है। और हम मीनावा पंजाब एफसी ने कोई बिट पेपर नहीं लिया है। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है ईस्ट बंगाल को लेकर, सो ईस्ट बंगाल के जो नए कोच हो सकते हैं, सो एक तो ऑलरेडी ईस्ट बंगाल के पास कोच है, बट हाँ, वो उस टाइम पे उन्होंने कोच एज अपॉइंट किया था क्योंकि उनको पता नहीं था कि वो आईएसएल में खेलेंगे या नहीं। एंड एक कोच का बहुत सख्त जरूरत होता है एक टीम को इनिशियल स्टेज में मैनेज करने के लिए। बट हाँ, एज बिकॉज ईस्ट बंगाल आईएसएल में आ रहे थे, ईस्ट बंगाल एक फॉरेन कोच के फॉरेन कोच को ही खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, अपने टीम में लाने के लिए इंटरेस्टेड है। जो नाम निकल के वो रिस्तो विडाकोविच, तो रिस्तो विडाकोविच जो कि एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कोच, एंड स्पेन में इन्होंने काफी साल कोचिंग करवाया है, सो एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा है। एंड आ सकते हैं वो ईस्ट बंगाल में, डेफिनेटली आ सकते हैं। ईस्ट बंगाल के पास सीवी है इनका, एंड ये खुद आना चाहते हैं ईस्ट बंगाल में, काफी इंटरेस्टेड है ये ईस्ट बंगाल को कोचिंग करवाने के लिए। तो देखते हैं रिस्तो विदाकोविच ईस्ट बंगाल में आते हैं या नहीं, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। सो ये नेक्स्ट न्यूज आ रहा है जमशेदपुर एफसी की तरफ से, तो जमशेदपुर एफसी ने साइनिंग कंप्लीट कर लिया स्टीफन इजे का। स्टीफन इजे जो की एक नाइजेरियन फुटबॉलर है, एंड वो अभी भी काफी बढ़िया फॉर्म में, रिसेंट फॉर्म उनका काफी बढ़िया है। उनका एज है 26 एंड काफी यंग प्लेयर है, तो डेफिनेटली ये साइनिंग जमशेदपुर एफसी के लिए काफी बढ़िया साइनिंग है। स्टीफन इजे मेनली अपना करियर नाइजीरिया में ही खेला है, इस लास्ट वो फिलीपींस में थे, सो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे प्लेयर है स्टीफन इजे। सो ये साइनिंग बहुत अच्छा मैं बोलूंगा जमशेदपुर एफसी की तरफ से। बट हम लोग को देखना पड़ेगा कि जमशेदपुर एफसी का होकर स्टीफन इजे कैसा परफॉर्म करते हैं। एक्सपेक्टेशंस हाई है, बट हम लोग को देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो आ रहा है मेसी बाउली को लेकर। सो राफेल मेसी बाउली साल जा रहे चाइना में, सो चाइना का जो सेकंड डिवीजन है उसमें जा रहे राफेल मेसी बाउली, एंड राफेल मेसी बाउली ने एक प्री कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है हिलजियांग लावा स्प्रिंग एफसी के साथ। तो हाँ, इस साल राफेल मेसी बाउली उड़ीसा एफसी में नहीं आ रहे, वो चाइना में जा रहे। सो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि और वो अपना प्री कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके इंडिया में आएंगे, तो हाँ ये डील यही पे क्लोज हो जाता है कि राफेल मेसी बाउली इस साल और आईएसएल में हम लोग को नहीं देखने को मिलेंगे। सो जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है ईस्ट बंगाल को ही लेके, सो ईस्ट बंगाल बहुत ही ज्यादा क्लोज है जेजे का साइनिंग कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि और ईस्ट बंगाल ने जेजे को ऑफर किया है कि अगर जेजे ईस्ट बंगाल में आते हैं तो उनको एज अ कैप्टन खिलाया जाएगा टीम में। एंड जो कि मुझे लगता है कि एक काफी बढ़िया ऑफर है, क्योंकि कोई इंडियन प्लेयर को कैप्टन करना बहुत रेयर केस है, सिर्फ बेंगलुरु एफसी में सुनील छेत्री कैप्टन है, एंड बाकी ज्यादा कोई इंडियन प्लेयर्स को कैप्टन करवाते नहीं है, मतलब नॉर्मली आईएसएल में। सो हाँ, सो ये मुझे लगता है कि एक बढ़िया ऑफर ईस्ट बंगाल की तरफ से कि उनको एज अ कैप्टन भी रखा जाएगा ईस्ट बंगाल में। सो डेफिनेटली ऑफर तो बहुत बढ़िया है, तो मतलब इसी के पता चल जाता है कि ईस्ट बंगाल में जेजे एज अ मेन टीम, मतलब फर्स्ट 11 में ही खेलेंगे, जो कि मुझे लगता है काफी बढ़िया चीज है, क्योंकि जेजे जैसे प्लेयर को अगर आप फर्स्ट 11 में नहीं खिलाते तो एक्चुअली एक टैलेंट का वेस्ट ही मैं बोलूंगा, क्योंकि जेजे बहुत बढ़िया प्लेयर है। सो देखते हैं अगर इस साल जेजे ईस्ट बंगाल में जाते या नहीं, एंड ये ब्रिज ने रिपोर्ट किया है, एंड सोर्सफुल तो है, डेफिनेटली सोर्सफुल है, ट्रस्ट किया जा सकते इस न्यूज को। सो देखते हैं जेजे इस साल ईस्ट बंगाल में जाते या नहीं, अगर वो जाते तो उनका परफॉर्मेंस ईस्ट बंगाल को कैसा रहता है। सो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है एफसी गोवा को लेके, बहुत लोग पूछ रहे थे मार्कस नेईमार का क्या हुआ, अगर अल्बर्टो नोगेरो एफसी गोवा में आ चुका तो मार्कस नेईमार के साथ जो इतना बात हुआ था उनका क्या हुआ। तो मैं बता दूं, एफसी गोवा
हमने इस साल बहुत सारे ऑप्शंस रखे थे अपने हाथ में कि अगर एक प्लेयर नहीं हम लोग साइन करवा पाते तो हम लोग इमीडिएटली दूसरे प्लेयर्स के ऊपर जंप कर पाए एंड उनको साइन करवा ले, जो कि किसी भी टीम के लिए बहुत ही बढ़िया चीज होता है, क्योंकि ये बहुत अनसर्टेन सा चीज है कि आप उस प्लेयर को साइन करवा पाओगे या नहीं। तो ऑप्शंस रखना हमेशा बहुत बढ़िया चीज होता है। मार्कस नेमार को एफसी गोवा ने ऑप्शन ही रखा था कि अगर अल्बर्टो नोगेरो साइनिंग उनका कंप्लीट नहीं होता है एफसी गोवा में, तो एफसी गोवा इमीडिएटली मार्कस नेमार के साथ मार्कस नेमार को वो अपने टीम में ला सके। तो डेफिनेटली मुझे लगता है इसी वजह से मार्कस नेमार के साथ उन्होंने काफी बात आगे बढ़ा के रखा था। मैंने मार्कस नेमार के एजेंट्स के साथ भी बात किया है, तो उन्होंने भी वही बोला कि बात काफी आगे बढ़ चुका था एंड मुझे भी यही लगता है कि उन्होंने ऐसा ऑप्शन ही रखा था मार्कस नेमार को कि अगर अल्बर्टो नोगेरो एफसी गोवा में नहीं आते तो वो मार्कस नेमार को लाएंगे। एंड मार्कस नेमार के पास और भी काफी सारे आईएसएल के क्लब्स के ऑफर हैं, तो हाँ देखना पड़ेगा कि मार्कस नेमार इस साल आईएसएल के कौन से क्लब में जाते। तो यही था अपडेट मार्कस नेमार को लेके। एंड हाँ, मार्कस नेमार एफसी गोवा में अबाउट नहीं आ रहे क्योंकि एफसी गोवा मुझे नहीं लगता कि 7 फॉरेन प्लेयर्स खरीदेंगे, खरीद सकते 7 फॉरेन प्लेयर्स डेफिनेटली, 6 फॉरेनर्स हो चुके, हादी मोहम्मदी वो एक ऑलमोस्ट कंफर्म चीज है क्योंकि संदीप जिंगन अगर एटी के मोनमन में जा चुके हैं कि अभी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। एंड रंजीत बजाज ने भी मुझे पता है थोड़ा सा घुमा के ट्वीट किया था, बट जिस तरीके से रंजीत बजाज ने ट्वीट किया था उनसे हम लोग वो कंडक्ट कर मतलब समझ सकते हैं कि एटीके मोहन बगान ने शायद कंप्लीट कर लिया साइनिंग संदीप जिंगन का। बट एज बिकॉज ऑफिशियल वो नहीं हुआ है तो मैं एकदम 100% भी कंफर्म नहीं करूंगा संदीप जिंगन का वो न्यूज। बट हाँ, मार्कस नेमार अभी के लिए तो एफसी गोवा में अब नहीं आएंगे, वो कौन से क्लब में जाते हैं वो देखने वाला होगा। सो जो नेक्स्ट है वो इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल जुवेंटस, तो ऑलिवर जीरू जुवेंटस में जा रहे हैं ऐसा ही रिपोर्ट निकल के आया। तो ऑलिवर जीरू जो कि 33 फॉरवर्ड पोजिशन के प्लेयर है, काफी बढ़िया प्लेयर है ऑलिवर जीरू, बाय द वे उनका रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छा है नहीं, बट प्लेयर तो अच्छे हैं, बट देखते हैं कि अगर वो जुवेंटस में जाते हैं तो उनका परफॉर्मेंस जुवेंटस का ओके कैसा रहता है। एक्सपेक्टेशंस है कि वो एवरेज परफॉर्मेंस देंगे, सब्स्टिट्यूट बेंच में भी रख सकते हैं क्योंकि अगर लुइस सुआरेज जा रहे जुवेंटस में तो मुझे नहीं लगता कि लुइस सुआरेज को जुवेंटस की टीम बैठा के रखेंगे। अगर लुइस सुआरेज फ्लॉप होते नहीं परफॉर्म कर पाते तो तब शायद ऑलिवर जीरू को मौका मिले, तो मुझे लगता है सब्स्टिट्यूट ही जा रहे ऑलिवर जीरू जुवेंटस में। सो देखते हैं उनका परफॉर्मेंस जुवेंटस का ओके कैसा रहता है। तो जो एक्सक्यूज आ रहा है रियल मद्रिद की तरफ से, तो रियल मद्रिद इंटरेस्टेड है महारेज को अपने टीम में लाने के लिए। सो महारेज जो कि 29 ईयर ओल्ड राइट विंग पोजीशन के प्लेयर है मैनचेस्टर सिटी का, उनका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था एंड ये साइनिंग मुझे लगता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है रियल मद्रिद के लिए क्योंकि उस पोजीशन में रियल मद्रिद को एक प्लेयर चाहिए एंड एक सब्स्टिट्यूट के हिसाब से भी महारेज काफी बढ़िया प्लेयर है, बट मुझे लगता है उनको फर्स्ट इलेवन में मौका मिलेगा महारेज को। सो देखते हैं अगर महारेज रियल मद्रिद में आते तो उनका परफॉर्मेंस रियल मद्रिद का ओके कैसा रहता है। सो नेक्स्ट आ रहा है जुवेंटस को लेकर, जुवेंटस ने हिगुएन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर दिया है क्योंकि हिगुएन एमएलएस में जाना चाहते थे, इंटर मियामी जो क्लब है एमएलएस का उसमें जाना चाहते थे हिगुएन, इसी के साथ ही एक म्यूचुअल टर्मिनेशन है एंड जुवेंटस और हिगुएन के जो एजेंट्स है उन्होंने बात किया एंड एक म्यूचुअली टर्मिनेट किया है, प्लेयर और क्लब दोनों ही एग्री हुए एक पॉइंट पे आके। तो मुझे लगता है कि एक म्यूचुअल टर्मिनेशन जो कि मुझे लगता है काफी बढ़िया चीज होता है कि अगर एक प्लेयर कोई दूसरे क्लब में जाना चाहते तो वो क्लब नॉर्मली ज्यादा टाइम पे इंटरनेशनल केसेस मतलब इंटरनेशनल जो यूरोपियन क्लब है वो अलाउ कर देते हैं, एक्सेप्शन है एक दो बट ज्यादा टाइम पे अलाउट कर देते हैं एंड मतलब मेसी वाला बात अगर पकड़ूंगा तो वो वहां पे एप्लीकेबल नहीं है बात, बट 90% ऑफ द केसेस में यूरोपियन क्लब्स अलाउ कर देते हैं अपने प्लेयर्स को अगर वो चाहते कि वो कोई दूसरे क्लब में जाए तो। डेफिनेटली ये अगर मैं बोलूंगा ये अच्छा डिसीजन जुवेंटस की तरफ से कि उन्होंने हिगुएन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर दिया है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड बेल आइकन दबाना मत भूलेगा एंड कमेंट कीजिए इंस्टाग्राम में फॉलो करना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।